मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मौजूदा कराम असदुद्दीन अवैसी सिर्फ यही आपसे गुजारिश करने आया है कि मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, उतनी दूर से नहीं आया हूं। हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इल्जाम लगते हैं, लगते रहेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तारीख गवाह है, अगर कोई सीरतुल नबी की किताब को पढ़ेगा तो इल्जाम भी है। मक्के की सरजमीन पर जिसमें मुबारक पर ऊन की उजरी भी डाली गई, ताइफ का सफर भी है, पहुंच का मैदान भी है, और उसके बाद फतेह मक्का भी है, और होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, और अपने इन दो बाजुओं पर भरोसा रखिए, और अपने कुव्वत पर, अपने फैसलों पर पूरा इत्मीनान। जब आप अपने फैसलों पर पूरा इत्मीनान करके फैसला लेंगे, यकीनन तब्दीली पैदा होगी। अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो कहां फैसला ले सकते हैं।